पूरे मोतिहारी में हमारी जितना सस्ता और अच्छी क्वालिटी वाला चिकन कहीं नहीं मिलता। बड़ी कंपनी का नौकर बनने से अच्छा है कि छोटी सी दुकान का मालिक बने। तो भैया आपने पढ़ाई कितनी की है? बीए फाइनल किए हुए। मेरा भी सपना है कि एक दिन अच्छा रेस्टोरेंट हम भी खोलें। भैया 50 रुपए में खिला रहे हो, पैसे कैसे कमाओगे? ज्यादा हमको पैसा नहीं चाहिए, हम लोगों को प्यार चाहिए ताकि गरीब से गरीब खा ले और अमीर से अमीर खा ले। रोटी चावल तो आप हर एक जगह खाए हुए हैं, आप मुढ़ी के साथ एक बार ट्राई कीजिए, मजा भी आएगा और उंगली चाट के जाइएगा यहाँ। और मजा नहीं आएगा? नहीं आने का सवाल ही नहीं। तो भैया मोतिहारी में सब लोग हांडी मटन खाते, एक बार स्वाद खा लेता है तवा चिकन का तो हांडी मटन भूल जाता है खाना। तवा चिकन तो बहुत जगह मिलता है, यहाँ जैसा टेस्टी कहीं नहीं मिलता। एक बार आइए तो खाइएगा तो फिर दोबारा आइएगा, यहाँ मजा आ जाएगा। हाँ मजा आ जाएगा। तो आज मैं आपको लेकर आऊंगी बिहार के मोतिहारी शहर में। तो भैया क्या बनने वाला है यहाँ पे? तवा चिकन। तो भैया कितने रहता है यहाँ पे? 50 का 100 ग्राम। नेक्स्ट क्या डालेंगे? तेजपत्ता डालेंगे। तो देखते तो नेक्स्ट यहाँ पे प्याज डाला जा रहा है। भैया इतने सस्ते में चिकन कैसे खिला रहे हैं यहाँ पे? सस्ते में चिकन जितना लागत लगता है उस हिसाब से हम लोग बना कर खिलाते हैं। तो भाई गरीबों के लिए फाइव स्टार खोल दिए गए आपने यहाँ पे? जी जी। ऊपर से नमक डाला जा रहा है, लहसुन का पेस्ट है ये आ गया भाई, लहसुन का पेस्ट। तो पूरा तवा भर के हमारा तवा चिकन यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। तो भैया कहाँ से सीखा बनाना आपने? पहले हम घर में बनाते थे तो घर वाले को अच्छा लगता था, हमने सोचा की क्यों ना हम प्योर लगाए, ठेला पर लगाना स्टार्ट किया और लोगों को काफी पसंद आया। तो भैया चिकन लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे, एक बार जो खा के जाता है बार बार आता है यहाँ। ये चिकन डाले, कितना टाइम लगता है बनने में? 40 से 45 मिनट। 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक बार हमारा चिकन खा लोगे तो बार उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसा बनता है यहाँ का टेस्ट। देखिए हमने सोचा कि बहुत महंगे महंगे लोग खिला देते हैं यहाँ पे, हमने सोचा कि क्यों ना कम कॉस्टली में लगा के बढ़िया चिकन लोगों को खिलाया जाए ताकि गरीब से गरीब खा ले और अमीर से अमीर खा ले। तो भैया मोतिहारी में सब लोग हांडी मटन खाते हैं, आपने क्या सोचा कि आपका तवा चिकन चलेगा यहाँ पे? सबका पसंद अलग अलग होता है, हांडी मटन खाने वाला हांडी मटन, जो एक बार स्वाद खा लेता है तवा चिकन का तो हांडी मटन भूल जाता है खाना। तो भैया से पहले क्या करते थे आप? पढ़ाई करते थे। तो किस चीज की पढ़ाई किया? बीए किए हुए। सोचे कि बड़ी कंपनी का नौकर बनने से अच्छा है कि अपना छोटी सी दुकान का खुद का मालिक बने। तो ये कभी आपने सोचा कि अपना भी बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है? आपने मन तो सबका करता है लेकिन अच्छा पूंजी न होने के कारण हम लोग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन मेरा भी सपना है कि एक दिन अच्छा रेस्टोरेंट हम भी खोलें और लोगों का अच्छा सेवा दे पाए, जितना हो सके उतना सेवा करें। तो नेक्स्ट क्या करेंगे भैया? इसमें हम थोड़ी सी पानी डालेंगे। तो ये आगे भाई लाल मिर्च, हल्दी डालेंगे। नेक्स्ट आगे हल्दी। तो भाई हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी, अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे इसको चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है। भैया तवा चिकन के खाने में क्या क्या मिल जाता है साथ में? रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा और लाई चूड़ा भुजा मिलेगा। वो क्या होता है? लाई मुढ़ी। तो लोग चिकन पसंद करते हैं यहाँ पे? बहुत पसंद करते हैं। और सत्तू पराठा भी हम लोग पास मुहैया करा देते हैं, सत्तू पराठा। इसको पकने के बाद हम मिलाएंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो चारों तरफ से देखते हो चिकन को अच्छे से यहाँ पे मिलाया जा रहा है, चिकन जो है हमारा यहाँ पे पकना स्टार्ट हो चुका है। तो चिकन में देखते हो कितनी बढ़िया रंगत आ चुकी है। और कितना टाइम लगेगा भैया बनाने में? अच्छा चिकन खाना है तो समय तो थोड़ा देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा मतलब। तो भाई गर्मा गर्म देखते हो तवा चिकन यहाँ पे रेडी किया जा रहा है और अभी इसको 15 से 20 मिनट और लगेंगे रेडी होने में। तो लोग तो बोलते हैं हमारा सीक्रेट मसाला रहता है। सीक्रेट मसाला कुछ नहीं होता, मसाले वही होते हैं, फिर बनाने का अपना तरीका होता है, अपना अपना हुनर होता है और हाथ होता है, हाथों का हुनर होता है। थोड़ी सी पानी और डालेंगे। तो हल्का सा देखते हो पानी और मिला लिया गया है यहाँ पे। तो ये आ गया भाई गर्म मसाला, ये आपका मीट मसाला। अब इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से देखते हो मसालों को यहाँ पे भुना जा रहा है और एकदम बढ़िया सी ग्रेवी के साथ हमारा तवा चिकन भाई यहाँ पे रेडी कर दिया गया है। देखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। ये हमारी मुढ़ी है। तो भाई देखो हमारी मुढ़ी यहाँ पे आ चुकी है और इसी के साथ यहाँ पे तवा चिकन लगाया जाएगा। तो आप देखो हमारे तवा चिकन की यहाँ पे प्लेट लगाई जाएगी, ये मुढ़ी के साथ हम लगाएंगे और साथ में हमारे इसके ऊपर चिकन लगाया जाएगा। तो चिकन यहाँ पे लगा दिया गया, साथ में ऊपर से आ गई ग्रेवी। अभी अगर मोतिहारी आ रहे हो तो हमारे पास आके तवा चिकन का टेस्ट जरूर ले, मजा आ जाएगा, मजा भी आएगा और उंगली चाट के जाइएगा यहाँ से। मजा नहीं आता आइएगा तो बार बार आना पसंद कीजिए, मजा नहीं आया तो नहीं आने का सवाल ही नहीं है। तो कैसा लगता है तवा चिकन आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। तो ऐसा क्या यार, तवा चिकन तो बहुत जगह मिलता है, यहाँ जैसा टेस्टी कहीं नहीं मिलता। अच्छा महंगा तो नहीं देते? दाम के हिसाब से सही है। अच्छा दाम के हिसाब से सही है। आप में क्या लेते हो, रोटी लेते हो या चावल? रोटी चावल जो भी खाइए। बहुत टेस्टी होता है यहाँ पे? हाँ बहुत टेस्टी होता है। एक बार आइए तो खाइए तो फिर दोबारा आइएगा यहाँ, मजा आ जाएगा। हाँ मजा आ जाएगा। तो फाइनली देखिए तो मोतिहारी का सबसे सस्ता तवा चिकन यहाँ पे लेके रेडी हो चुका है। आपको सैलेड में देखते तो मिर्ची मिल जाएगी, प्याज मिल जाएगा, चिकन एकदम बढ़िया क्वांटिटी मिला, सिर्फ 50 रुपए में आपको यहाँ पे चिकन खाने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया लेग पीस, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे चिकन ले लेंगे और ये आगे थोड़ी सी ग्रेवी। तो चिकन ले लेंगे, मुढ़ी ले लेंगे, ग्रेवी ले लेंगे। तो खाना तो टाइमिंग क्या रहती है? आप 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक आइए। और हफ्ते में कितना दिन लगाते हैं? हफ्ते में 7 दिन। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए किसी को यहाँ पे कॉल पे पहुँचना हो। 8083409755। तो भैया एड्रेस बता दीजिए, यहाँ पे क्या रहने वाला? मोतिहारी।